नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक कुमार, आप देख रहे हो आपका अपना YouTube चैनल द परफेक्ट सिविल इंजीनियरिंग। तो आज हम बात करने वाले हैं बिना वेट मशीन के सरिये का वजन कैसे निकालते हैं। इससे पहले मैंने एक वीडियो बना दिया था, वो उसके अंदर बताया था कि मीटर के अंदर अगर सरिये को मापते हैं तो उसमें किस तरीके से वेट निकालते हैं, और अभी मैं जो आपको बताने वाला हूं वो फुट के अंदर अगर आप माप कर रहे हो तो किस तरीके से उसका वेट निकालोगे। तो चलो देखते हैं वीडियो। वीडियो देखने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, अगर अभी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो देखते हैं वीडियो। हाँ, तो अपने पास जैसे मान लो ये सरिया है और इसका हमें वेट निकालना है और बिना वेट मशीन के निकालना है, तो वो क्या कि जैसे मान लो फुट में निकालना है, तो फुट में निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका डाया गुणा डाया डिवाइड बाई 533 गुणा लेंथ, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, जैसे मान लो डाया अगर 8 mm का है या फिर 10 mm का है या फिर 12 mm का है या 16 का है, 20 का है, 25 का है, जो भी है वो डाया ले लेंगे। मैं यहां पे एक बार 8 mm का डाया लेता हूं, 8 गुना 8 बटे 533 गुना लेंथ, मैं यहां पे 3 फीट ले रहा हूं, 3 फीट लेंथ ले ली बराबर। तो इसका वेट जो आएगा वो होगा 0.36 केजी में। अब जैसे मान लो ये हमने फुट में निकाल लिया, इसके बाद अगर हम बात करें मीटर में निकालने के लिए करेंगे तो मीटर का भी फार्मूला वही रहेगा जो हम फुट में निकालते हैं। जैसे मान लीजिए 8 गुना 8 डिवाइड बाई 162 गुना लेंथ अपने पास 1 मीटर की ले ली, तो इसका जो वेट आएगा वो आएगा 0.39 इस तरीके से। और अगर हम इसी ये जैसे मान लो 1 मीटर में लिया है, तो इसमें भी अगर 1 मीटर में कितनी फीट होती है उस तरीके से अगर इसका निकालेंगे तो देखते हैं दोनों का वेट बराबर आता है क्या। तो जैसे मान लीजिए 8 गुना 8 डिवाइड बाई 533 गुना लेंथ 1 मीटर में होती है 3.28 बराबर, इसका जो वेट आएगा वो होगा 0.39। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप फुट में निकालते हो वजन को या फिर मीटर में निकालते हो, वजन दोनों में सेम बराबर आएगा। जैसे मान लीजिए ये यहाँ पे मीटर में निकाला, इसका आ गया 0.39, और ये यहाँ पे भी फीट में निकाला, ये इसका भी आ गया 0.39। मुझे उम्मीद है शायद ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर लाइक जरूर करें। और आज के लिए इतना ही, आगे लेकर आऊंगा कुछ खास नई जानकारी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद, जय हिंद।